हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट देयर। मैं हूं प्रतीक। सबसे पहले आई होप आपको कल की वीडियो हमारी पसंद आई, जो थी कैंपिंग एडवेंचर्स इन हिमालयस, जो हमारी ऑनगोइंग सीरीज है, उसका एपिसोड जिसमें हमने अपनी पुरानी कैंप साइट छोड़ के नई कैंप साइट, नई लोकेशन को ढूंढा और वहां हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे मौसम ने बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दिया। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, ये रहा लिंक आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले बात करते हैं फिटनेस मोटिवेशन की। आज हमने किया थोड़ा सा लाइट योगा, क्योंकि कल हमने करी थी काफी हेक्टिक और काफी रिग्रेस रनिंग, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थोड़ी सोर थी। योगा हमने किया थोड़ा सा लाइट और फिटनेस मोटिवेशन को अपने कंटिन्यू किया। तो जी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि कल हो गया बड़ा सैड सा ट्रिप। एज यू ऑल नो कि इंडिया मैच हार गई, वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट चलो कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है, हार जीत तो चलती रहती है। और जो भी लोग सोशल मीडिया पे टीम इंडिया को थ्रैश कर रहे हैं, कोई जल्दी आउट हो गया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑफ द डे टीम हमारी है, हार जीत चलती रहती है, कोई बात। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नोट, जो मालदीव्स की हमारी अपडेट है आज की वीडियो की, वो ये है कि हमने नया रिजॉर्ट ढूंढ लिया है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें हमने मालदीव्स में जो ट्रिप में हमारे को इश्यूज आए वो शेयर किए थे, अगर नहीं देखी तो ये रहा उसका लिंक। दूसरा, उसमें आपको याद है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, कि रिजॉर्ट ने बोला था कि हमारे क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स में 15 दिन में पिछले जो बुकिंग आई है वो सारी हो जाएगी कैंसिल। अब नया रिजॉर्ट भी हो गया बुक, एवरीथिंग वाज गुड टू गो, एंड हमने आपको अपडेट ये देना ही था और दे रहे हैं। वो ये है कि जी एवरीथिंग इज फाइन, बट नए रिजॉर्ट ने भी हमें फोन करके रिक्वेस्ट करा कि हम पूरा ट्रिप कर दें एक दिन प्रीपोन। और प्रीपोन करने के लिए उन्होंने इसलिए बोला बिकॉज रिजॉर्ट्स में हो रही है ओवर बुकिंग। डायरेक्ट जनरल मैनेजर से मेरी बात हुई जो वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि इतनी ज़्यादा बुकिंग हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ऑल दो मालदीव्स का सीज़न तो है या अभी जो चल रहा है टाइम, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये बोला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से इतनी बुकिंग आ रही है कि ओवर बुकिंग हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम। समहाउ हमने इससे भी डील कर लिया, हमने उनकी ये रिक्वेस्ट मान ली, क्योंकि जिस रिजॉर्ट में हम जा रहे हैं उसका नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां सब उसमें आते जाते रहते हैं। इट्स अ लग्जूरियस रिजॉर्ट और एक तरह से हमारा फेवरेट भी है। मैं तो वहाँ पहले कभी नहीं गया इस पर्टिकुलर रिजॉर्ट में, बट भाई ऑलरेडी गया हुआ है वहाँ पे एक बार। सो इट्स रियली अमेजिंग एंड फैंटास्टिक, एंड आई एम श्योर हमें वहाँ काम करने का भी मजा आएगा, आपके लिए वीडियो शूट करने का और आपको देखने का। सेकेंड, एक और इशू इसके साथ हमारे को जो आया वो ये आया, बिकॉज ऑफ विच हमारे लिए बिग बेनिफिट हुआ, वो ये हुआ कि एयरलाइंस ने सडनली अपनी टाइमिंग्स चेंज कर ली है। अभी फिलहाल मालदीव्स की जो फ्लाइट्स जा रही हैं दिल्ली से डायरेक्ट, वो दो ही फ्लाइट्स हैं, एक गो एयर और इंडिगो। हमने चूज़ करी इंडिगो बिकॉज इंडिगो का डिपार्चर था मॉर्निंग 9 o'clock का दिल्ली से, जो आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने चेंज करके सुबह 5:45 कर दिया, 4:45। अगर सुबह 5 का डिपार्चर भी सोचे तो आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा कम से कम भी रात को 2:00। सो नो पॉइंट इन सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। और ये जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये हम प्रिपेयर्ड थे कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में थिंग्स वोंट बी द सेम, हर चीज़ इवॉल्व हो रही है अपने तरीके से। सो वी आर ओके विद इट, एंड हमारे नज़र सिर्फ वहीं पे है कि वंस वी रीच देयर इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग टाइम, बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है, अपना हम इन्जॉय भी करेंगे, एट द सेम टाइम अच्छे से अच्छी वीडियोज़ भी बनाएंगे आपके। सो वी आर थ्रू ऑल दिस, कल मिलेंगे आपको एक नई अपडेट और नई वीडियो के साथ। बाकी हाँ, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकें। मालदीव्स के हिसाब से कुछ कपड़े नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी शॉपिंग ही कर लेते हैं आज। मेरे पास भी नहीं कपड़े जो कि हर बार की बात है, बट बहुत है मेरे पास नहीं है